ऑफ द शू. ये देखें मैंने सोल बना लिया है. दिस इज 1.60 mm. मैं नीडल यूज कर रही हूँ 1.60 मिडल ऑफ द. तो सबसे पहले मैं जो मिडल है इसका, ये मिडल है और इस मिडल का मैंने मिडल से शुरू कर रही हूँ. इसका चेन पहला वन कलर बदल के हाफ डबल क्रोशेट इन सेम स्टिच चेन वन करके एंड मेक इन द बैक लूप ऑफ द हाफ डबल क्रोशेट करना है एंड मेक डबल क्रोशेट बैक लूप में अपने सिंगल स्टिच करना है आपने, वो भी आपने स्टिच के बैक लूप में करना. स्टिच एक मेक इट ऑल अराउंड इसी तरह करते हुए आपने पूरा इर्द गिर्द कर लेना है. यहाँ से शुरू होके आखिर तक आपने सिंगल क्रोशे करना है बैक लूप में. ये देखिए सारा इधर से एंड तक करना है आपने. Now ये देखिए मैंने सारा एंड तक कर दिया है सिंगल क्रोशे. अब मैं दोबारा जो है तो इसके ऊपर सिंगल क्रोशे करूँगी. इस तरह करते हुए मैंने तीन और करने चार बन जाएंगे. तो इसमें ना मैंने डिक्रीज करना है ना इंक्रीज. ये देखिए मैंने चार सिंगल क्रोशे कर लिए टू चेन और इसमें ना मैंने हाफ डबल क्रोशे किया है. अब इसका और 18 रो मैं बताती हूँ. 18 स्टिचेस. आप चेन वन करें, फोर चेन टू करना है आपने, फाइव सिक्स मेक 18. अब मैंने चेन स्टिचेस हाफ डबल क्रोशे करने हैं. नाउ आई विल स्टार्ट माय डिक्रीज. सो आई विल डू 12 डिक्रीजेस और ये 3 हो गया. This is my first one. ये 5 इसी तरह करते हुए मैंने 18 पूरे करने. Insert hook. ये देखे मैंने 18 हाफ डबल क्रोशे कर लिए. 2. अब मैं आगे जो है तो डिक्रीज करूँगी, 10 डिक्रीज करूँगी. ये मेरा पहला हो गया. 3. सो मैं 12 डिक्रीज. अब मैं दूसरा कर रही हूँ. No, sorry, I was mistaken that I decreases इस तरह आपने only 10 10 decreases करने हैं. 10 decreases here. से निकाला अगले स्टेज में डाल के फिर लूप से 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करने हैं. Now I'll make half double crochet. देखिए मैंने 10 decreases कर लिए हैं. 1 2 half double crochet 4 Till to पाँच छः और दस. ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्लिप आगे मैंने इसी तरह हाफ डबल क्रोशे करना है. मार्कर एंड स्टिच मार्कर हेयर. दिस इज द मिडल ऑफ माय मैंने फिनिश कर लिया है. अब मैंने जो मिडल है सोल का उससे आते हुए मैंने मिडल की स्टिच में स्टिच मार्कर में लगा देती हूँ. एंड आई विल मेक हाफ डबल क्रोशे ऑल ओवर हियर टिल टू दिस. ये मैंने लगा दिया ताकि हमें पता चले कि देन आई विल शो यू व्हाट टू डू. अब सो जो यहाँ से इस तरफ मालूम करना है फिर हमने स्टिच मार्कर स्टिच मार्कर इस साइड पे द मिडल लाइन और वहां से हाफ डबल क्रोशे करते हुए सो काउंट 1 2 3 फ्रॉम दिस साइड एंड 1 2 3 आगे नहीं जाना. बस इधर से हमने फिर जो करना है मैं आपको बताती हूं. नाउ आई डिड माय डबल क्रोशे टिल टू दिस एंड सो स्किप 1 2 3 फ्रॉम द स्टिच मार्कर. दिस इज माय स्टिच मार्कर एंड काउंट फ्रॉम द नेक्स्ट स्टिच 1 2 3 एंड नाउ आई विल मेक इधर से 1 2 7 स्टिचेस 7 चेन 1 2 तो ये जो three, है मैं आपको बताती हूं 4 5 ये देखिए मैंने 7 क्रोशेट करके एंड देन आई विल स्किप 7 हमने 3 स्किप किए थे. अब मैं क्या करूंगी 1 2 3 4 5 6 7 2 3 एंड इन द 8 तो मैं यहां से अब 7 चेन हाफ डबल क्रोशेट 2 3 4 5 6 एंड 7. अब मैं इसको यहां से
ये जो स्टिच मार्कर मैंने लगाया हुआ है फर्स्ट, उसके नेक्स्ट थ्री पे मैंने चेन को हाफ डबल क्रोशेट करना है, हाफ डबल क्रोशेट टिल टू द एंड, एक दो तीन हाफ डबल क्रोशेट, हाफ डबल नॉन स्टिचेस टिल टू द एंड। अब इसके बाद मैंने इसी तरह हाफ डबल क्रोशेट करते हुए जाना है, ये मैं हटा देती हूँ। इट विल लुक लाइक दिस। नाउ आई विल मेक स्लिप स्टिच, स्लिप स्टिच टिल टू द एंड ऑफ दिस साइड टिल टू द एंड ऑफ दिस साइड, मेक अ स्लिप स्टिच, दिस इज स्लिप स्टिच, अब यहाँ से मैं चेन वन करके स्लिप स्टिच करूँगी जहाँ से मैंने सात चेन का वो बनाया था इधर तक, सो मैं ऑन द चेन स्टिच करते हुए जाऊँगी सिंगल क्रोशे सेवन टाइम, वन टू, ये देखें मैं यहाँ तक स्लिप स्टिच करते हुए आ गई हूँ। Three, अब जो ये चेन मैंने साथ किया है इसमें मैं four, सिंगल क्रोशे करूंगी सात दफा, फाइव ये देखें एक सिक्स एंड सेवन, ये दो। नाउ आई विल मेक अगेन स्लिप स्टिच टिल टू द एंड, ये तीन, नाउ चेन वन एंड मेक सिंगल क्रोशे छः, skip from this side, अब दोबारा से मैं यहाँ से four five slip stitch करते हुए, in fifth one you will stop here, okay, and make single crochet till to the आखिर तक, अब मैं chain one करूँगी, sorry five chain one, फिर single crochet करते हुए मैं इधर तक आऊँगी जहाँ से मैंने single crochet शुरू किया था, stitch mark तो यहाँ तक आऊँगी और उसको वहाँ से मैंने चार सिंगल क्रोशे टिल टू द स्टिचेस, वन स्टिच मार्क थ्री फोर फाइव सिक्स में मैंने ना हेयर रुक जाना है इधर, वहाँ से स्किप करना है, यहाँ मैं स्टिच मार्कर डाल देती हूँ ताकि मुझे पता हो, वन टू थ्री फोर फाइव एंड फिफ्थ इंसर्ट हुक एंड नाउ आई विल चेन फोर, वन टू अब सिंगल क्रोशे करते हुए मैंने स्टिच मार्कर नाउ आई विल स्किप जाना है, वन टू थ्री एंड मेक सिंगल क्रोशे यहाँ पर इन टू द, एक दफ़ा फिर मैं बता देती हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः ये छः, वन मैं अब यहाँ पर चार चेन करूँगी और जो इधर से दो चेन को छोड़ के तीसरे में ना एक चेन को छोड़ के तीसरे में वन टू मैं इंसर्ट करूँगी हुक को, वन मोर और सिंगल क्रोशे आई स्किप टू फ्रॉम दिस साइड, चार चेनों में एंड टू फ्रॉम चार दिस साइड स्टिचेस में, नाउ मेक ये चेन फोर एंड नाउ स्किप वन टू थ्री फोर इन द फिफ्थ मेक सिंगल क्रोशे, फिर मैं इधर सो इट विल बी लुक लाइक दिस, चार चेन करूँगी, ओके नाउ मेक सिंगल क्रोशे टिल टू द एंड, एक दो तीन चार पाँच छः में इंसर्ट करके हुक को सिंगल क्रोशे करूँगी, तो ये इस तरह इसकी शक्ल आ जाएगी। नाउ चेन वन अगेन एंड मेक सिंगल क्रोशे करते हुए एंड तक मैंने पहुंचना है, टू टूवर्ड दिस साइड, व्हेन यू रीच दिस साइड मेक सिंगल क्रोशे इन एवरी फोर चेन एंड देन इन दिस फोर चेन एंड दिस फोर चेन मेक वन सिंगल क्रोशे एंड टिल टू द एंड मेक सिंगल क्रोशे। ये अब मैंने सिंगल क्रोशे करते हुए आई डिड सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड, नाउ फोर सिंगल क्रोशे हियर फोर हियर एंड फोर हियर,
सो नाउ फिर चार में भी सिंगल क्रोशेट करूंगी और सिंगल क्रोशेट टू द एंड और फिर होते हुए एंड तक आ जाना है। नाउ कट योर यार्न, ये मैंने कर लिया है, इधर से सिंगल क्रोशे करते सारा एक स्लिप स्टिच, फिर चार, फिर चार और फिर एंड तक चली जाऊंगी। स्टिच इट, सी इट, सब टू यू। अब यहाँ से मैंने यार्न काट देनी है और इसको मैं टाइट कर दूंगी। चाहे आप सी लें इसको या इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ। नाउ आई विल स्टार्ट माय वर्क फ्रॉम द मिडल ऑफ दिस फोर, जो आपको आसान टू थ्री फोर सिंगल क्रोशे। इसके बकिया जो ऊन है वो काट दें ताकि साफ लगे। इन द सेम मेक सिंगल क्रोशे। अब मैं जो चार मैंने किए थे इधर मैंने हुक इंसर्ट करके सिंगल क्रोशे करना है एंड आठ दफा ये किया मैंने इंसर्ट, इधर मैं डालूंगी वन फोर एट टाइम ये मैंने किया चेन वन एक टर्न योर वर्क इन द सेम स्टिच में इस तरह सिंगल क्रोशे। नाउ नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशे, ये देखें नेक्स्ट सिंगल क्रोशे। फिर मैंने मेक इट फॉर सिक्स टाइम चेन वन किया और उसे टर्न करके अपोजिट साइड में उसी स्टिच में सिंगल क्रोशे करते हुए आगे बढ़ूंगी। इस तरीके से हमने आठ रो करने हैं ना छः रो करने हैं इस सिंगल क्रोशे के। ये देखें मैंने इसके छः रो कर लिए हैं और अब मैं इसको थोड़ा सा यार्न को छोड़ के ताकि सी सकूं और ये मैं अब इसको फोल्ड करके इसको इधर स्टिच कर लूँगी ताकि वो जो इसके क्या कहते हैं उसको स्ट्रिप जो तड़ियाँ कहते हैं उसको वो इसमें डाल सकूँ। ये देखें मैंने सी दिया है, अब मैं इधर से एक इधर से स्टार्ट करूँगी इस साइड से एक दो तीन चार पाँच और ये छठे में मैंने हुक को इंसर्ट कर लेना है और यहाँ पे मैंने पहले मैंने 60 चेन करने हैं। दो तीन चार पाँच 60 चेन, ये मैंने 60 चेन बना लिए हैं। अब मैं क्या करूँगी जहाँ मैंने गिना था ए इधर से स्टार्ट करना है, छठे में मैंने डबल क्रोशे करना है। ये देखें मैंने डबल क्रोशे किया और सब स्टिचेस में अब मैं डबल क्रोशे करके ले जाऊंगी और इधर से भी मैं गिन लूंगी वन टू थ्री फोर फाइव ये मैंने सारा ये सिक्स इधर मैं स्टिच मार्कर डाल लेती हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो ये मेरा स्टिच मैंने कहाँ गया। अब मैंने इसको निकाल देना है, ये मेरा हो गया, यहाँ पे डबल क्रोशे करूँगी। अब मैंने 40 चेन करने हैं। 40 चेन करने के बाद मैंने इस सब में स्लिप स्टिच करना है, वापस की तरफ जाऊंगी और स्लिप स्टिच करते हुए जाऊंगी। इसी तरह आपने स्लिप स्टिच करते हुए एंड तक जाना है। ये मैं आ गई हूँ इधर तक, अब इधर भी मैंने स्लिप स्टिच करते हुए सारा इधर से और फिर इस वाले में भी सारा स्लिप स्टिच करना है।
ये देखें मेरे शूज़ तैयार हैं। और देखिए कितना क्यूट और प्यारा सा है, ये 0 to 3 months के लिए है। और इस पे आप फूल भी लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं अपने जिस तरीके से आप चाहते हैं। तो ये मेरा क्यूट लिटिल शू तैयार है न्यू बॉर्न 2-3 months के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट उसमें इंशाल्लाह नए पैटर्न के साथ मुलाकात होगी। तब तक इजाज़त दें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।